आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद के आप खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। शेख, एक सवाल है कि एक आदमी ने एक जानवर के लिए एक खस्सी, ये क़ुरबानी के लिए एक खस्सी ख़रीदा, तो जो बेचने वाला था वो क्या है कि खस्सी का जो सींग था उसका आधा टूटा हुआ था, लेकिन वो बेचने के लिए उसको उस आयब को छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो वो टूटा हुआ जो टूटी हुई जो सींग है उसको उसमें लगा दिया, तो वो कैसे उसे चिपकाया उसमें लगा दिया कि पता नहीं चला और ख़रीदने वाला ख़रीद के लेके आ गया। अब देख रहा है कि उसमें वो सींग वो टूटा हुआ दिख रहा है, उसमें लगा दिया है, तो क्या ये जानवर क़ुरबानी के लिए सही है या नहीं? शेख ज़रा इसके बारे में बताएंगे। वो पहले ये कि पता नहीं था, वो ख़रीद लिया है, तो अब वो देख रहा है कि हाँ टूटा हुआ था, निशान दिख रहा है हल्का सा, तो अब कैसे होगा उसका, ज़रा उसके बारे में बताएंगे शेख, अकरम होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। भाई साहब ने सवाल ये किया है कि एक आदमी बकरा ख़रीद के लाया कुर्बानी के लिए, सींग उसकी टूटी हुई थी लेकिन बेचने वाले ने उसको कुछ छुपा दिया था, वो वहाँ दिख नहीं रहा था, घर पे लाके पता चला ये तो सींग इसकी टूटी हुई है जिसको उसने किसी चीज़ से चिपका उपका के रखा था, तो उसकी कुर्बानी होगी कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे दो बात है, एक बात ये कि जिस बंदे ने बेचा है ऐसा हरकत किया वो बहुत ही गलत है, यानी कोई ऐप छुपा के या नहीं बेचना चाहिए, उसको ये चीज़ वाजे कर देना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि टूटी हुई सींग वाले बकरे की जानवर की कुर्बानी होगी कि नहीं, इसमें इख्तलाफ है, और सही बात यह है कि इसकी कुर्बानी हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जानवरों में पाए जाने वाले अयूब का तस्करा किया है वो चार अयूब हैं, उनमें से ये सींग टूटने वाली बात नहीं है। अलबत्ता कुछ और रवायात हैं जिसमें ये इस्तेहबाबी हुक्म है, यानी मुख्तलिफ रवायात को जमा करते हुए अहले इल्म ने कहा कि वो इस्तेहबाबी हुक्म है, उसमें यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है सींग आँख चेक करने का हुक्म दिया है, लेकिन ये रवायात सही हैं या ज़ईफ़ इसमें अहले इल्म का इख्तलाफ है। बाज़ अहले इल्म इन रवायात को ज़ईफ़ करार देते हैं और बाज़ सही करार देते हैं, लेकिन जो अहले इल्म सही करार देते हैं उनमें से भी बहुत सारे अहले इल्म का ये कहना है कि ये सही तो है लेकिन ये इस्तेहबाबी हुक्म है, ये वजूबी हुक्म नहीं है। वजूब वाला हुक्म उतना ही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार उंगली उठा के बताया था कि ये ऐब नहीं होना चाहिए, तो चूँकि उस लिस्ट में ये नहीं आता है इसलिए हम इसको इस्तेहबाब पर महमूल करेंगे। तो खुलासा ये कि सींग अगर टूटी है तो उसकी कुर्बानी करने में कोई हरज की बात नहीं, उसकी कुर्बानी हो जाएगी बिलखसूस जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं है, तो इसकी कुर्बानी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बाकी अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत पैसे दिए हैं और आप चाहते हैं कि बकरा बदल दें, ये किसी कस्सा वगैरह को दे दें जो काट करके बेचेगा, और आप कोई फ्रेश बकरा लेकर आएँ जिसके अंदर ये ऐब भी ना हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी की कुर्बानी करना चाहें तो भी कोई हरज की बात नहीं है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा।